कानपुर के रेल बाजार इलाके में रहने वाली अंशिका यादव एमएससी की छात्रा है। बुधवार को अंशिका योगी सरकार की ओर से दिए जा रहे लैपटॉप मिलने की जानकारी के लिए 11 बजे कॉलेज गई थी, लेकिन उसके बाद घर लौटकर नहीं आई। बाद में पता चला कि एमएससी छात्रा की हत्या कर दी गई है। इस हत्या से कानपुर पुलिस प्रशासन पर नारी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिले में पिछले 6 महीने में अब तक 1 दर्जन लड़कियों और महिलाओं की हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस एक पैनल द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम करा रही है। कानपुर के रेल बाजार इलाके में रहने वाली अंशिका यादव एमएससी की छात्रा है। 19 वर्षीय अंशिका के पिता सुदर्शन एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं। बुधवार को अंशिका योगी सरकार की ओर से दिए जा रहे लैपटॉप मिलने की जानकारी के लिए 11 बजे कॉलेज गई थी, लेकिन उसके बाद घर लौट कर नहीं आई। अंशिका का फोन भी रिसीव नहीं हुआ। रात को घर वालों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया कि आपकी लड़की की बॉडी पुल के नीचे पड़ी है। घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन वह मर चुकी थी। उसके गले पर काले निशान थे। उसकी हत्या करके पुल के नीचे फेंक दिया गया था। अंशिका के दोनों पैर की उंगलियां कटी हुई थी। इससे लगता है कि अंशिका को मारने से पहले उसके पैरों को बांधा गया होगा। अंशिका बहुत होनहार लड़की थी। उसकी मौत से पूरा परिवार रो रो कर बेहाल है। अंशिका के भाई आरएन यादव का कहना है कि बहन कॉलेज में लैपटॉप के लिए गई थी, उसका फ़ोन नहीं उठा तो हमने सोचा लैपटॉप ले रही होगी। फिर शाम तक उसका फ़ोन नहीं उठा तो लोग घबराने लगे। भाई आरएन यादव ने कहा कि रात को किसी ने फ़ोन उठाकर बताया कि उसके बॉडी पुल के नीचे पड़ी है। अंशिका की माँ उसे गुड़िया की तरह प्यार करती थी। वह बस एक बात कह रही हैं कि मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा, मुझे न्याय चाहिए। पुलिस ने FIR दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। अंशिका की हत्या के बाद अब कानपुर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में जिले में 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों की हत्या हो चुकी है। इसी 2 दिसंबर को नौबस्ता में घर में घुसकर एक महिला की हत्या की गई थी।